तो चलिए शुरुआत करते हैं चॉपिंग बोर्ड सेट करने के साथ। यहाँ सेट करने का मतलब यह है कि चॉपिंग बोर्ड के नीचे मैं एक गीला डस्टर लगाऊंगा, जिससे कि जब मैं कटिंग कर रहा हूँ तो चॉपिंग बोर्ड हिले ना। तो अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल परफेक्ट लच्छा निकाल पाएंगे। आपको करना ये है कि प्याज के नीचे आपको हल्का सा एक स्लिट लगाना है, इससे होगा ये कि प्याज जो है स्टेबल हो जाएगा। तो जब भी आप लच्छे काटें तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नाइफ आपका बहुत शार्प होना चाहिए। अगर नाइफ शार्प नहीं होगा तो होगा ये कि आप प्याज काटने में ज़्यादा जोर लगा देंगे और जो प्याज की शेप है वो ढंग से नहीं आ पाएगी। तो ये लच्छे मैंने काट दिए हैं, ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं ये। तो ये रिंग का साइज आप देखिए एकदम परफेक्ट है। अगर ये ज़्यादा पतली हो जाती तो वो वैसे ही जो हमारा मसाला हम इसमें मिलाएंगे उसके वजह से वो उसमें घुल जाती, और अगर ये मोटी होती तो फिर खाने में आपको वैसे ही मज़ा नहीं आता। तो चलिए अब इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं इस बाउल में। और अब इस रेसिपी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जिसमें हमें ठंडा पानी फ्रिज से लाना है और इस बाउल में डालना है। करीब 15 से 20 मिनट हम इस प्याज को ठंडे पानी में डुबाएंगे। इस प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए मैं इसमें अभी आइस क्यूब्स भी डाल रहा हूँ। यहाँ पे लॉजिक बहुत सिंपल है, कोई भी चीज़ अगर आप नॉर्मल पानी में डालेंगे तो वो सॉफ्ट रहेगी, और अगर आप ठंडे पानी में उस चीज़ को डाल देंगे तो वो कड़क हो जाएगी। तो हमने बेसिक प्रिपरेशन अपनी पूरी कर ली है और अब हम अपना पहली जो हमारी रेसिपी है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं एक बेसिक चटनी धनिया पुदीना वाली। धनिया को रफली चॉप कर लेते हैं और फिर इसको ब्लेंडर में डाल देते हैं। अब डालेंगे इसमें आधे नींबू का रस। जीरा पाउडर डाल रहे हैं और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ काला नमक। पुदीना को अगर आप ज़्यादा ब्लेंड करो तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, तो इसीलिए मैं उसको लास्ट में डाल रहा हूँ और अब इसको मैं ब्लेंड कर रहा हूँ दोबारा से। तो चटनी तैयार है और अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पे अब हम अपना पहला सैलेड असेंबल करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने प्याज को ले लिया और अब मैं इसमें हरी चटनी जो भी हमने तैयार करी थी उसको इसमें डालूंगा और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो चटनी ने प्याज को अच्छे से कोट कर लिया है और अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। ये सैलेड प्रिपरेशन बहुत कॉमन है, जिसमें हम प्याज में नींबू डालेंगे, पहले कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, काला नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स करिए हाथों से और ये रेडी है। इस सैलेड प्रिपरेशन में हमें दही और हरी चटनी को मिक्स करना है अच्छे से। तो दही को गाढ़ा करने के लिए मैंने उसको चाय की जो छानी होती है उसमें 1 घंटे के लिए रख दिया था। एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ पेस्ट हमें इसको बनाना है। कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए आप थोड़ी सी और हरी चटनी डाल सकते हैं इसके ऊपर। अब हम इसमें डाल रहे हैं चाट मसाला। इसको अच्छे से मिलाएं और इसका जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल मुलायम होता है, एक वेलवेट टेक्सचर जैसे हम बोलते हैं वैसा होना चाहिए। तो चलिए अब इसमें मिलाते हैं प्याज और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये सैलेड भी हमारा रेडी हो चुका है।